हेलो एवरीवन, अ लॉट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव हर्ड दैट ये स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन है, ऑपरेटर इज़ ऑपरेटिंग। तो इसीलिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर सेफ माने जाते हैं, बिकॉज यूजुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट और टू यू नो मैनिपुलेट दोज स्टॉक्स। बट जो न्यू लिस्टिंग्स होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, देर आर अराउंड 6,000 या 7,000 लिस्टेड कंपनीज। तो जो छोटी छोटी कंपनीज़ है जिनके प्रमोटर्स इतने एथिकल नहीं हैं, वो प्रमोटर्स कुछ कुछ बिग हाउसेस, ब्रोकिंग फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके कभी कभार स्टॉक को ऑपरेट कर सकते हैं। और आई एम श्योर ये प्रैक्टिस छोटी कंपनीज़ में होती ही होगी। अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये लो फ्लोटिंग स्टॉक है, इसमें ऑपरेटर का काम चल रहा है। कैसे होगा? यूजुअली एज़ पर द रूल, अगर कोई बड़े इन्वेस्टर ने स्टेक ख़रीदा है बट द स्टेक इज़ लेस देन 1%, ओके, तो लेस देन 1% ऑफ द टोटल कंपनी, तो वो मीडिया में नहीं आएगा और मीडिया में आके कोई आपको बताएगा नहीं। तो कोई भी अगर ऑपरेटर है, उसका ब्रोकिंग फर्म में या कहीं इधर उधर पहचान है, वो अपने 50 रिश्तेदारों में 1% से कम, 0.99% ऑफ इस कंपनी का स्टेक बांट के अगर खुद ही के शेयर खुद ही के लोगों के थ्रू ख़रीद रहा है और उसका प्राइस जैकअप हो रहा है, एंड देन रिटेल इन्वेस्टर उसमें ट्रैप में फंसता है। कैसे फंसता है? यहाँ आता है रोल ऑफ सर्टेन मीडिया चैनल्स। जैसे ही प्रमोटर, ये पूरी साइकिल होती है कि कोई करप्ट प्रमोटर है, यू नो व्हेन दे वांट टू पुश द स्टॉक प्राइस, वो खरीद, सपोज द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ 25 एंड प्रमोटर हैज़ डिसाइडेड दैट मेरे पास कुछ 50 करोड़ है, छोटी कंपनी है, मैं 50 रिश्तेदारों में 1-1 करोड़ बांट दूंगा, वी विल जैक अप द प्राइस, दिखने में आएगा कि जेन्युइन बायर्स इसको खरीदे, अदर्स, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में होता है ना, अदर्स, अदर्स कॉलम याद है, वहाँ से ख़रीदारी हो रही है, जेन्युइन बायर इंटरेस्ट है। थोड़ा स्टॉक प्राइस 10-20% चल गया, 25 से 30 आ गया, तो 20% चल गया, छोटे स्टॉक में मूवमेंट फास्ट होती है, वहाँ एक कोई फलाना ढिमकाना मीडिया हाउस आके, सम स्टूपिड मीडिया हाउस विल कम एंड गिव अ रिपोर्ट, दिस कंपनी, दिस पेनी स्टॉक, दिस इज़ डूइंग वेल। आजकल तो इतने सारे फेक यूट्यूबर्स हैं, वो लोग ही आपको कुछ ऐसा बताएंगे और काफ़ी लोग रिटेलर फिर उसमें ट्रैप होते हैं। देन वंस द रिटेलर इज़ ट्रैप्ड, उसके बाद वो 30 से लेके 35, 40, 45 जाएगा, वहाँ प्रमोटर और उनके जो चेले चपाटे हैं वो अपना माल बेच देंगे, ऑपरेटर माल बेचने को आएगा और रिटेलर ट्रैप हो जाएंगे। दिस इज़ क्लासिक ऑपरेटर गेम एंड इट कैन हैपन I'm sure in a lot of small companies, but that's why we have criteria जो आपको बचा के रखता है कि अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा क्राइटीरिया है, बिजनेस स्टेबल है, तो कंपनी चूज़ करना स्टॉक पिकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड्स का निवेश कितना है, हाउ मच स्टेक डज अ पर्टिकुलर DII ओन, ऑल दोज क्राइटीरिया मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर मनी एंड इट्स योर हार्ड अर्न मनी। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर training and educational purposes, none of the stocks mentioned are recommendations.